नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे कि लॉकडाउन 4 के स्टार्ट होते ही हम क्या प्रिकॉशंस लें, क्योंकि देखिए ये जो जिन्न था कोरोना का, ये बॉटल तोड़ के बाहर आ चुका है। 80-90 हज़ार पेशेंट्स हमारे देश में हैं, 2000 के ऊपर लोगों की डेथ हो चुकी है, और अब चूंकि इकोनॉमी आगे सस्टेन नहीं कर सकती तो ग्रेजुअली इस लॉकडाउन को ओपन किया जा रहा है और रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। ऐसी स्थिति में हमारे पास में सहारा क्या इस बीमारी से बचने का? पहली बात ये समझें, हर 100 में से 3 या 4 पेशेंट की डेथ होगी, जो एवरेज निकल के आ रहा है। दूसरे नंबर पर 15 से 20 पेशेंट्स को प्रॉपर हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उनकी इलनेस की सीवियरिटी ज़्यादा होगी। 70-80% पेशेंट को माइनर इलनेस होगी, हो सकता है उन्हें पता भी ना पड़े, और हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं 80% की में, तो आपका नसीब बहुत अच्छा है। और अगर वो 3% की कैटेगरी में आप या आपके यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो आते हैं, तो समझ लीजिए ये आपके लिए दुखदाई खबर देके जा सकती है। तो पर मेरा अब ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि उन 100 में से 3 कौन है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम 100% लोग अगर अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लेते हैं तो पॉसिबल है कि ये बीमारी हमारा कुछ ना बिगाड़ सके और हमारा इम्यून सिस्टम इसको किल कर दे हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस 97% लोगों में हो रहा है, आज भी हो रहा है। बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको किल कर देता है, पर 3% इस जंग में हार जाते हैं। तो हमारा काम ये है कि उन 3% को भी इन 97 के साथ में तैयार किया जाए, एक रोबस्ट इम्यूनिटी दे करके, कि अगर कभी कोरोना इनको छुए भी तो बिना कुछ बिगाड़े हुए निकल जाए। ये हमारा पर्पस होना चाहिए। तो हम अपनी इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि एक तरफ इम्यूनिटी इसको मार सकती है, दवाई तो कोई अभी तक बनी नहीं है, सपोर्टिव थेरेपीज हैं सारी। अब दूसरा तरीका क्या, या तो इसकी वैक्सीन बन जाए। वैक्सीन अगर बनी भी तो कम से कम 3 से और 6 महीना जाएगा मार्केट में आने में, और इतने करोड़ों लोग लाइन में है तो आपका नंबर कब लगेगा वो सोचने की बात है। तो हमें बेसिकली अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ही बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। तो हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता आप कैसे बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से समझेंगे। अब हमें समझना ये है कि ये कोरोना का इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में पहुँचता कैसे है। तो इसको 3 बैरियर मिलते हैं। पहला बैरियर क्या है, स्किन। अगर स्किन है बीच में तो ये इन्फेक्शन हमारे बॉडी में नहीं जा पाएगा। उसके बाद में दूसरा बैरियर इसको क्या मिलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है, नाक से लेकर के पूरे मुंह से लेकर के अंदर पूरा हमारे इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम तक, नीचे तक म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसको रेस्ट्रिक्ट करती है, इसमें से म्यूकस निकलता है जो बैक्टीरिया को अंदर जाने नहीं देता, और इसमें कई एंजाइम रहते हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। पर इस बैक्टीरिया की या इस वायरस की, ये तो वायरस है कोरोना का, या फिर और यही रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी है म्यूकोसल लाइनिंग, तो ये जो वायरस है उसके रेजिस्टेंस को बाईपास करता हुआ म्यूकोसल सेल्स तक पहुंच जाता है और वहां जाके सेल्स में मल्टीप्लाई होना, अपने रिप्लिकेशंस बनाना शुरू करता है। अब इस प्रोसेस के अंदर तीसरा बैरियर आता है बॉडी में, इन्फ्लामेशन। तो इससे इन्फ्लामेशन की प्रोसेस इनिशिएट होती है, और ये इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में WBC से कई ऐसे एंजाइम जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह और दूसरे एंजाइम्स निकाले जाते हैं जो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। पर जब ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता, फाइट करता है, तो फाइट करने के कारण ये ग्रेजुअली हमारे मैक्रोफेजेस से होता हुआ इम्यून सिस्टम तक पहुंचता है, और वो इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाता है जो इसको किल करते हैं। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनेंगे और इसको हम रोक पाएंगे, पर अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो ये करना संभव नहीं होगा।
अब अगर हमारी डाइट पुअर है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी पुअर रहेगा। ऐसे में अगर पुअर न्यूट्रिशन है तो उसमें हमको क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर हमारे बॉडी में नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, माइक्रो मिनरल्स नहीं मिलेंगे, विटामिन्स नहीं मिलेंगे, अमाइनो एसिड जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन डाइट से आते हैं वो नहीं मिलेंगे, फैटी एसिड्स जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो हमको ऑलमंड से, वॉलनट से, फिश से, फ्लैक्सीड से मिलते हैं, वो हमारे बॉडी में अगर कम होंगे तो हम इससे फाइट नहीं कर पाएंगे। ये सारी कमियों को दूर करने के लिए हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो डाइट का आप पूरी तरह ख्याल रखें, इसके साथ में स्ट्रेस लेवल को नीचे रखें, क्योंकि स्ट्रेस भी हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। नींद पूरी 7 से 8 घंटे की नींद लें, नींद जरूरी है। भरपूर पानी पिएं जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो, और योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, हाँ, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब ये चीजें जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं, इसमें कई डाइटरी इंग्रेडिएंट्स भी हैं। डाइटरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जैसे विटामिन सी। विटामिन सी सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, और ये हमको हमारे फूड से मिलता है, जैसे आंवला, नींबू, साइट्रस फ्रूट्स, इन सब से हमारे को भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, आवश्यक है बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए। उसके बाद में विटामिन डी जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, हमको सनलाइट से मिलता है या डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, तो डेली 10 से 15 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर करें। हालांकि ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग सनलाइट एक्सपोजर इतना गर्मी में ले पाना कितना संभव होगा। अगर पॉसिबल हो तो सुबह 6 बजे की धूप लेंगे तो उसमें आपको गर्मी कम मिलेगी और आपको विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिल सकता है। पर अगर ये संभव नहीं है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें या डेयरी प्रोडक्ट्स लें। उसके बाद में बी कॉम्प्लेक्सेस की काफ़ी आवश्यकता रहती है, जो फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स में भरपूर मात्रा में है, डेयरी प्रोडक्ट्स में है। उसके बाद में मिनरल, माइक्रो मिनरल्स जैसे जिंक। जिंक बहुत आवश्यक है, ये वायरस के डुप्लीकेशन को रोकता है। जो बीच में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो डिमांड हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जिंक को फैसिलिटेट करता है सेल के अंदर जाने के लिए, और ये जिंक इसके रिप्लिकेशन को रोकता है। तो जिंक की बहुत आवश्यकता होती है, सेलेनियम की आवश्यकता होती है हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करने के लिए। कुछ एक चीज़ें और खा सकते हैं, जैसे अदरक और लहसुन है, ये बैक्टीरिया वायरस इसको किल करने के अंदर हेल्प करती है। उसके अंदर बादाम है जिसके अंदर विटामिन ई होता है जो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद में चाय, ब्लैक टी, ग्रीन टी। ग्रीन टी खास तौर से इसमें ईजीसीजी होता है जो इम्यूनिटी के लिए काफ़ी आवश्यक है। कॉफ़ी लें, कॉफ़ी में प्रचुर मात्रा के अंदर ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवेनॉइड्स होते हैं। और पालक, पालक बहुत अच्छी है, उसमें रिच ऑफ फाइबर है। ये फाइबर हमारे पेट के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनके लिए जरूरी है, और ये गुड बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और अभी मैं रिसेंटली एक मेरे को मोबाइल में व्हाट्सएप में एक आर्टिकल आया, आप लोगों को बताता हूँ, काफ़ी अच्छा है, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया। ORAC, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ये ORAC क्या होता है? ये है बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की। तो जो चीज़ें ORAC को इम्प्रूव करती हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करती हैं, साथ में हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, ये चीज़ें अगर हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये हमको सबसे अधिक मदद करेगा। और इसकी एक उन्होंने वैल्यूज शेयर की, तो सबसे अधिक वैल्यू ORAC की किस में होती है? जैसे क्लोव, दिन में चाहिए 1 या 2 लौंग चबा लें। उसके बाद में सेनेमोन, देन उसके बाद में जो ORAC वैल्यू हाईएस्ट किसकी है? कॉफ़ी। ये उन्होंने स्टेप डाउन फैशन में बताया, कॉफ़ी की होती है। उसके बाद में टर्मरिक, हल्दी की होती है। कोको, चॉकलेट, उसकी होती है। फिर क्यूमिन, जीरा जो हम अपने किचन में मिलता है। उसके बाद में पर्सले, देन तुलसी, तुलसी की पत्तियाँ, ये हमको काढ़ा बनाते हैं उसमें तुलसी की हम पत्तियाँ जरूर डालते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद में थाइम, अजवाइन,
उसके बाद में जिंजर, इन सब के अंदर ORAC ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी इम्प्रूव करने की काफ़ी क्षमता होती है। ये हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें लें, और उसके बाद में जिंजर का एक्सट्रैक्ट, तुलसी और टर्मरिक का अगर हम एक्सट्रैक्ट या फिर उसका काढ़ा बना करके लेते हैं तो ये ORAC वैल्यू को काफ़ी बढ़ाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बढ़ाता है। उसके बाद में ये और किस तरह से बढ़ सकता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने से, स्पाइसेस से, जो स्पाइसेस अभी मैंने आपको बताए। और यही चीज़ें अगर आपको कोरोना में साथ देंगी तो साथ में यही कैंसर को भी होने से रोकते हैं। उसके बाद में न्यूरोडाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ को होने से रोकते हैं, क्रॉनिक कंडीशंस जो दूसरी होती हैं उनको होने से रोकते हैं। उसके बाद में कई इम्यूनिटी बूस्टर हैं ORAC वगैरह के साथ में, जैसे आयरन है, विटामिन सी मैंने आपको बताया, जिंक बताया मैंने आपको, ओमेगा 3 फैटी एसिड मैंने आपको पहले भी बताया, देन मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। मैग्नीशियम हम मिस कर रहे थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी। इसके बाद में कई सारे जो हर्ब्स हमने बात किया, तुलसी, जिंजर, पेपर, टर्मरिक, सिनेमोन, क्लोव, उसके बाद में कुछ एक हर्ब्स हैं अलग, जो हर्ब्स जो हमारे किचन में अवेलेबल नहीं है, सप्लीमेंट्स के अंदर अवेलेबल है, हम मार्केट से वो भी अवेल कर सकते हैं, जैसे ब्रह्मी, अश्वगंधा, शतावरी, मुलैटी, अर्जुना, पिपरमेंट, उसके बाद में कोरिएंडर सीड, ये इन सब के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने की काफ़ी क्षमता है। और हमारे आयुष मंत्रालय ने भी एक काढ़ा बना करके आप लोगों को लेने के लिए बोला है, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई एम एलोपैथिशियन, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय इन्हीं चीज़ का सहारा, एलोपैथिक में कुछ भी नहीं है, एलोपैथिक के सारे फटाके फुस हो चुके हैं, सपोर्टिव थेरेपीज़ हैं, तो अभी इन चीज़ का सहारा है। और आपको जान के सरप्राइज होगा, मैं चाइना के एक डॉक्टर का वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हमने बहुत सख्ती के साथ में लॉकडाउन लगाया, हमने बहुत अच्छे से मरीजों की केयर ली, वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया, और हमारी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी अच्छे से प्रमोट कर रही है। आप डेली चाहें तो ये काढ़ा बना करके पी सकते हैं, जिसमें आप क्या डालें, तुलसी पाउडर 30 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, सौंठ 30 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, इसको आप उबाल करके इसका काढ़ा बनाएं, साथ में इसमें नींबू डालें, थोड़ा हनी डालें, और ये आप लें। ये कई मरीजों को रेगुलर दिया गया है और उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है, इसे आप रेगुलर थ्रू आउट कोरोना के सीजन में यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको कई क्रॉनिक इलनेसेस से बचाएगा। और जो खास तौर से हमारे पेशेंट्स हैं ऑलरेडी प्रोडक्ट्स लॉन्ग लिव लाइफ के यूज़ कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि जैसे आप कुछ एक सप्लीमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जॉइंट फ्रेश लेते हैं, जॉइंट फ्रेश में उनको पालक का एक्सट्रैक्ट मिलता है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद में उनको कॉलेजन्स मिलते हैं, फिर उसके बाद में उसमें करक्यूमिन है, विटामिन सी है, ये ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट और इम्यूनो बूस्टर्स हैं, ये ऑलरेडी उसके अंदर है। इसके बाद में जो लोग OPD टैबलेट ले रहे हैं, उसमें सारे विटामिन, मिनरल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, उसके बाद में ऑल द मिनरल्स, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, सिलिका, ये सारे मिनरल्स उसके अंदर हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बजाय एक नॉर्मल कैल्शियम लें, उससे अच्छा है आप OPD लें, OPD जैसा प्रोडक्ट लें, तो उससे आपको, मैं आपको चाहिए तो OPD, ये देखिए साइड में मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये अगर आप लेते हैं तो इससे आपको इम्यूनिटी बूस्टअप भी मिलेगा। इसके साथ में आप लोग 4 स्टेप ले रहे हैं, 4 स्टेप के अंदर अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है, उसके बाद में विटामिन डी आप वीकली लेते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, फिर आप वेजिटेबल और साथ में फ्रूट्स लें, उसमें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और जो अभी मैंने आपको काढ़ा बताया वो लें, उसमें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसके बाद में जो मेरे डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं हमारे, वो ग्लूको फ्री ले रहे हैं, उसके अंदर तमाम सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और कई हर्ब्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। फिर जो न्यूरोपैथीज के पेशेंट हैं, नर्वो कूल लेते हैं, उसमें तमाम सारे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं, तो वो भी उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट
करेंगे और इसको रेगुलर लें इस पीरियड के अंदर। इसके बाद में हमारे जो कई पेशेंट्स ओबेसिटी के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो देखिए डाइट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और मैं कभी भी डाइट कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं बोलता, मैं उनको विटामिन मतलब फ्रूट और जो वेजिटेबल्स बेस्ड डाइट है वो उनको देता हूँ, तो उनको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, फ्लेवोनॉइड्स ये सब मिलते हैं। तो इसके साथ में वो लोग क्या लेते हैं, स्टार वॉक। स्टार वॉक इज गुड एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनो बूस्टर ऑल्सो। और साथ में इसके देखिए साइड में मैंने आपको दो तरह के शॉट्स दिखाए हैं। ये जो दो तरह के शॉट्स हैं, एक शॉट ये आपके सामने देखिए जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसके अंदर आंवले का जूस है, हनी है, बेहड़ा है, और साथ में इसके अंदर ये क्यूमिन एक्सट्रैक्ट है। इससे ये शॉट्स बना हुआ है, ये रेडीमेड है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ में ये आप एक ले सकते हैं, और उसके अल्टरनेट डे ये दूसरा जो शॉट्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, इसके अंदर ये लेमन जूस है, जिंजर जूस है, इसमें एप्पल साइडर विनेगर है और साथ में सिनेमोन है। तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और साथ में आपके वेट लॉस के अंदर, आपके पेट को अच्छा रखने में भी हेल्प करेगा। तो ये प्रोडक्ट्स आप, ये शॉट्स भी ले सकते हैं स्टार वॉक के साथ में। तो ये सारे प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल बेस्ड डाइट और फ्रूट बेस्ड डाइट, अगर ये आप लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, और गुड क्वालिटी ऑफ ऑयल जिसमें आपके देसी घी, मक्खन ये भी आता है, ये सारी चीज़ें आप लेते हैं तो आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बरकरार रहेगी और आप कोरोना को अच्छे से काउंटर कर सकेंगे। फिर भी और अगर आपको इसका स्पेसिफिक केयर लेना है तो ये सामने देखिए इम्यूनो करके हमने एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकली निकाला है ये कोरोना के पीरियड में। ये इम्यूनो का एक कैप्सूल या दिन के दो कैप्सूल अगर आप लेते हैं तो शर्तिया ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। पर ये बात ध्यान रखें, ये कोरोना से आपकी गारंटी नहीं है। इसके लिए आप सतत प्रयास करते रहें अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने का, और साथ में फेस मास्क को यूज करने का, प्रिकॉशन लेने का, लगातार हाथ धोने का, और इम्यूनो यूज कर सकते हैं आप, पर इसके साथ में ऐसा ना हो कि बाकी की चीज़ों की प्रिकॉशन ना लें कि अब कोरोना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसा आप ना करें, पूरी प्रिकॉशन लें। ये आपकी जो मॉर्टेलिटी रेट है उसको डेफिनेटली कम कर सकता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकता है, बीमारियों से बचा सकता है, कोरोना के अपार्ट भी दूसरी बीमारियों से बचा सकता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें और अपनी केयर लें, अपनी फैमिली की केयर लें और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करें। थैंक यू वेरी मच।